कॉम्बैट स्पोर्ट मुझे बहुत पसंद था, तो मुझे कुछ डिफरेंट करना था, अलग करना था, तो सोचा मैंने जो मेरा पैशन है, जो मेरा लव है, उसको ही मैं कुछ आगे बढ़ाऊं। और जैसे मैंने आपको बताया ये इंटरनेशनली बहुत फेमस स्पोर्ट है, नंबर वन पे आता है इंटरनेशनल में। इंडिया में तो अभी रिसेंटली रिसर्च आई है कि क्रिकेट के बाद में सेकेंड MMA हो गया। तो मैंने सोचा लेट्स डू MMA एंड लेट्स क्रिएट समथिंग विच इज वेरी इंटरनेशनली फेमस एंड इंडिया को भी थोड़ा इंटरनेशनली फेमस करते इस स्पोर्ट। MMA इज द बेस्ट थिंग टू डू इट। और हमने माइक टेसन को लेके आया, माइक टेसन को लाने के बाद में लोग के चेहरे पे इतनी खुशी आई, इतना अच्छा लगा कि 52 ईयर्स में पहली बार माइक टेसन आया है इंडिया में, जो आज से पहले कभी नहीं आया था वो। ये इवेंट इतना सक्सेसफुल हुआ कि मुझे पूरे वर्ल्ड से तारीफें मिली, इंडिया से मुझे इतनी तारीफें मिली, 125 करोड़ लोगों की ये सक्सेस है। अमेजिंग, क्योंकि स्पेशली माइक टेसन गेस्ट ऑफ ऑनर थे, प्लस शेख तनून थे। इंडिया वर्सेस UAE की मैच हुई, टीम वर्सेस टीम की मैच हुई, इंडिया स्पेशली जीता। दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन बिकॉज आई हैव स्ट्रगल अ लॉट टू गेट माइक टेसन फ्रॉम देयर। तकरीबन 9-10 महीने की कोशिश थी। मैं स्पेशली US गया, उनको समझाया, उनसे मीटिंग किया, बहुत मुश्किल। मैं वो पूरा चैप्टर आपको सुनाऊंगा तो एक पिक्चर बन सकती है कि किस तरीके से मैंने स्ट्रगल करके माइक टेसन को इधर लाया। उनका पहला तो यही सवाल था कि इंडिया का फेमस स्पोर्ट कौन सा है, तो मैंने बताया क्रिकेट। उन्होंने बोला कि यार वॉरियर वी लव कॉम्बैट स्पोर्ट। मैंने उनको बताया कि दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग यू देयर इन इंडिया टू मेक दिस स्पोर्ट फेमस इन इंडिया। हमने रूल्स और रेगुलेशन बताया, जो हमारा रूल्स डिफरेंस है, टीम वर्सेस टीम है, तो उनको बहुत पसंद आया। ही अग्रीड, ही वॉज सुपर हैप्पी एंड ही इज़ वेटिंग फॉर अनदर इवेंट एंड इंशाल्लाह वेरी सून ही विल बी मेंटोरिंग अवर लीग। वॉरियर हंट जो है वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आम लोग सब, जिसके पास टैलेंट है, जो जानता है MMA और जो चाहता है कि मैं MMA कर सकता हूँ, मैं फाइट कर सकता हूँ, उसके लिए है वॉरियर हंट। बिल्कुल, बिकॉज ये हम छोटे छोटे शहरों में जाके फाइटर्स को पिक करेंगे, उनको ग्रूम करेंगे और उनको हम इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे और वो टीम इंडिया की तरफ से लड़ेंगे और इंटरनेशनली लड़ेंगे बाकी और मैचेस में। क्योंकि ये एक कुमिते वन का टैलेंट नहीं है, ये इंडिया का टैलेंट है, ये देश का टैलेंट है।